General Pervez Musharraf has addressed the nation late Saturday night and defended his decision to impose martial law. He said that the need of the hour is tough decisions, and he's pointed at the emergence of terrorism in the country. दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी मेरी नजर में इंतहा पे पहुंची हुई है। इस वक्त खुदकश हमले पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। कराची में जो हुआ, उसके बाद रावलपिंडी में, सरगोधा में, पूरे पाकिस्तान में इनकी शिद्दत बढ़ गई है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से डर ही नहीं रहे हैं। ये इंतहा पसंद रिट ऑफ गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले रहे हैं। गवर्नमेंट विद इन अ गवर्नमेंट, हुकूमत के अंदर एक अपनी हुकूमत चलाना चाह रहे हैं। रिलीजियस आइडियाज, इस्लाम के बारे में एक फरसूदा ख्याल इत्तेदाल पसंद लोगों के ऊपर मुसल्लत जबरदस्ती ठूंसना चाह रहे हैं, और मेरी नजर में ये पाकिस्तान की सालिमियत पे एक डायरेक्ट चैलेंज फेंक रहे हैं। And Pervez Musharraf in that address has also accused the judiciary of not allowing the government to function by filing unnecessary cases. तकरीबन 100 सुओ मोटो केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मुझे बताया जा रहा है कि हजारों एप्लीकेशंस आई हुई हैं, और ये तमाम सुओ मोटो केसेस गवर्नमेंट के इदारों के यानी एग्जीक्यूटिव से कंसर्न है। तो लिहाजा एक हकूमती निजाम इस वक्त मफलूज हुआ हुआ है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देखते हैं, मेरी नजर में डिमोरलाइज्ड है।